ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व पर आज करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले में कोई अप्रिय घटनाएं वारदातें देखने को नहीं मिली, लेकिन धौलपुर जिले के कई मतदान केंद्रों पर चुनाव बहिष्कार की खबरें अवश्य मिली। हम इस समय मौजूद हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रजौरा, ये एक पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। आप देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर का जो यहाँ मतदान करनी है वो बैठे हुए हैं और मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मतदाता यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने नहीं आया है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने अपने मत का प्रयोग अभी तक नहीं किया है, जो मतदान कर्मी थे उन्होंने अपने मत का यहाँ प्रयोग किया है और पोलिंग बूथ के बाहर यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के इन लोगों ने आज बहिष्कार किया है। क्या समस्या है, क्या मांगे हैं जो आपने आज बहिष्कार किया है? बोलो, तुम लोग क्या है, आप बताएं ना, आप ग्रामीण हैं। हमारा जी बूथ पे रजौरा ग्राम सरानी खेड़ा लगना, खेड़ा में लगना चाहिए ग्राम पंचायत जाम हम पसंद नगटपुरा। क्यों, क्योंकि वहाँ आपको वर्चस्व ही ना, नहीं वर्चस्व को लेकर के मतदान किया जाता है क्या? वर्चस्व के लेकर के मतदान तो जी मोड़ा बता देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय फौजदार। क्या माने हैं, क्यों मतदान का बहिष्कार? हमारा मतदान का बहिष्कार इस कारण है क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत लगती है नटवपुर, तो उसमें कुशवाहों का ज्यादा वोटिंग है। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, अपने फेवर में काम कराते हैं वो लोग, हमारी उनकी कोई जरूरत नहीं है। 4 साल में कोई नरेगा का योजना नहीं, कोई गांव में RCC नहीं, कोई नालियों की सुविधा नहीं, रोड पे अवैध कब्जा कर रखा है। हम चाहते हैं कि उस जगह से कट के नटकपुरा पंचायत से हमें खेड़ा पंचायत में जोड़ा जाए और हमारे गांव में जो शमशान घाट है उसमें भी कोई प्रक्रिया नहीं है बनने की, कोई टीन सेट वगैरह। ये तो चुनाव के बाद भी हो सकता है, इससे पहले क्या आपने शिकायत वगैरह परवाह काफी की? काफी शिकायतें की, काफी एप्लीकेशन दी हमने, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया। जब हमारी पंचायत कट करके नटकपुरा में जोड़ी गई तो उस टाइम हम धौलपुर को ज्ञापन भी दिया कलेक्टर साहब को, भरतपुर भी गए महाराज बचवंदर जी के पास, मगर कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? वीरेंद्र सिंह। क्या मांगे हैं और क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में मताधिकार का आपको प्रयोग किया है? ग्रामीणों का ये कहना है कि पहले खेड़ा पंचायत में थे जी, खेड़ा पंचायत सूटेबल है, नजदीक है, रास्ता सुगम है, वहीं बाजार है, वहीं डेली बच्चे बड़े लेडीज सबका आना जाना है। उल्टी दिशा में नवीन पंचायत बनी है नटकपुरा, उसमें जोड़ दिया गया है, ये यथावत वहीं आना चाहते हैं। परसीमन हुआ, कौन सी पंचायत में? खेड़ा पंचायत में परसीमन हुआ था, जब भी आपत्ति हुई, आपत्ति का विकल्प था, उसमें आपत्ति दर्ज कराई गई, उस पर कोई बोर्ड नहीं लिया, फिर सिफारिश भी कराई, फिर जन सुनवाई होती कलेक्टर की, उसमें भी एप्लीकेशन दी, टोटल कोई प्रोग्रेस नहीं, इससे नाराज है। मतदान के बहिष्कार से क्या आपकी सुनवाई हो जाएगी? ऐसा ग्रामीणों की सोच है। पहले इन्होंने सड़क के लिए किया था एक बार, 2000 के बाद की बात है, लोकसभा चुनाव का ही बहिष्कार। कौन कौन आ गया समझाइश करने? मैं तो धौलपुर रहता हूँ, अभी आया हूँ, पर मैंने यहाँ सुना है वीडियो साहब, SDM मैडम आई है, CEO साहब जिला परिषद CEO साहब, उनसे क्या बात हुई है, ये तो ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जो मतदान केंद्र है वो नकटपुरा जो ग्राम पंचायत है उससे जोड़ दिया गया है, जबकि उससे पहले ये सरानी खेड़ा पंचायत में ये गांव था। ग्रामीणों का मांग है कि जो पूर्व में पंचायत थी खेड़ा उसमें जोड़ा जाए और तभी मतदान करेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी आए उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।